देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और मेरे साथ जो शख्स हैं उनका नाम है राजकिशोर प्रसाद जी, जो कि बीजेपी में प्रदेश सह प्रभारी भाजपा पंचायती राज से हैं बिहार में। इनसे बातचीत करते हैं, क्यों आए हैं ये नई दिल्ली के जंतर मंतर, क्या है इनकी डिमांड्स केंद्र सरकार के आगे, क्या ऐसी मांगे हैं जो आप नई दिल्ली के जंतर मंतर आपको आना पड़ा। दो दशक से बिहार के पश्चिम चंपारण के चनपटिया का चीनी मिल बंद पड़ा हुआ है। भाजपा के सरकार में सभी चीनी मिलें चालू हो रही है, इसलिए चनपटिया चीनी मिल को भी चालू कराने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन दे करके चनपटिया चीनी मिल को चालू कराने के लिए आया हूँ। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो दशक से ज़्यादा हो गया चनपटिया चीनी मिल का बंद होना। उसका एक कारण और भी रहा है कि चनपटिया चीनी मिल का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में पड़ा हुआ है। हम सभी जानते हैं कि लोअर कोर्ट होता है, हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। जो मामला लोअर कोर्ट में हल नहीं होती है उसे हाई कोर्ट में भेज दिया जाता है, और इलाहाबाद हाई कोर्ट में दो दशक से अधिक से चनपटिया चीनी मिल का मामला पड़ा हुआ है, लेकिन अभी तक उसका डिसीजन नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि इलाहाबाद हाई कोर्ट से में जब उसका समाधान नहीं हो रहा है तो उसको सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया जाए ताकि उसका समाधान हो जाए और चनपटिया चीनी मिल का नवनिर्माण हो जाए। मैं आपको एक और बात बताना चाह रहा हूँ, गोरखपुर के पिपराइज का भी शुगर फैक्ट्री कांग्रेस के सरकार में बंद पड़ी हुई थी। काफ़ी भाजपा के कार्यकर्ता वहाँ शोरगुल किए, लेकिन उसके बावजूद भी पिपराइज शुगर फैक्ट्री नहीं बन पाया। लेकिन आज केंद्र में भी भाजपा का सरकार और उत्तर प्रदेश में भी भाजपा का सरकार है, और नतीजा ये हुआ कि सरकार 400 करोड़ रुपया दे करके उस पिपराइज शुगर मिल को चालू करा दिया। इंडिया के सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी लगा करके उस मिल को चालू कराया गया है। उसमें चीनी का भी उत्पादन हो सकता है, इथेनॉल का भी उत्पादन हो सकता है। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से मांग करता हूँ कि चनपटिया चीनी मिल को भी नए टेक्नोलॉजी से युक्त, जिसमें चीनी का भी उत्पादन हो, इथेनॉल का भी उत्पादन हो, और साथ ही साथ इलाहाबाद में जो चनपटिया शुगर फैक्ट्री का जो केस पड़ा हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट में मंगा करके उसका भी निष्पादन कराया जाए ताकि चनपटिया चीनी मिल अविलंब चालू हो जाए। चनपटिया चीनी मिल के चालू हो जाने से हम सभी जानते हैं कि वहाँ की किसानों की समस्याएं दूर होगी और साथ ही साथ विद्यार्थियों को रोजगार भी मिलेगा। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से पुनः आग्रह विनती कर रहा हूँ कि चनपटिया का चीनी मिल अविलंब चालू कराया जाए। इसके लिए हम सभी चंपारणवासी चनपटियावासी माननीय प्रधानमंत्री का कृतज्ञ रहेंगे। जय हिंद। अच्छा, आपने जिस तरीके से मेमोरेंडम पे लिखा भी है कि माननीय सांसद जी ने इसकी घोषणा कर दी थी। जी जी, हमारे माननीय सांसद सह मुख्य सचेतक लोकसभा भाजपा और प्रदेश के बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने घोषणा कर दी है। डॉक्टर संजय जायसवाल। अच्छा, उन्होंने कहा। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं चनपटिया चीनी मिल को चालू करवा दूंगा। चूंकि वे भी आज सांसद हैं, मुख्य सचेतक हैं भाजपा लोकसभा में, प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, तो मुझे आशा है कि माननीय सांसद माननीय प्रधानमंत्री आपस में मिल करके उसमें 400 करोड़ रुपया दे करके उस शुगर फैक्ट्री को अविलंब चालू करा देंगे। चनपटिया मिल है, अगर ये बंद हो गई, आप कह रहे हैं कि बंद हो चुकी है ये मिल, इससे कितने लोगों का जो है बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। चनपटिया शुगर फैक्ट्री में 50,000 किसान जुड़े हुए हैं, और 50,000 किसान
के जुड़ने का कारण है कि वहाँ का अर्थव्यवस्था बिगड़ गई है। उसमें 5,000 वर्कर्स भी काम करते थे, तो वर्कर्स का भी परिवार काफ़ी परेशानी में है और किसानों का गन्ना नहीं गिरने के कारण किसान भी बदहाल है और शुगर बेचने के बाद जो पैसा इन लोगों में वितरित की जाती है वेतन के रूप में या गन्ना के रूप में, उन पैसों का मार्केट में नहीं आने के कारण भी वहाँ काफ़ी बेरोजगारी की समस्याएं पैदा हो गई है। तो इन्होंने बताया कि चनपटिया चीनी मिल बंद होने से कितने सारे लोग जो हैं बेरोजगारी के कगार पर आ गए हैं। उन लोगों के घर में जो है कहते हैं चूल्हा तक नहीं जल पा रहा, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि चनपटिया का चीनी मिल का पुनः नवनिर्माण हो जाए ताकि किसानों की समस्या दूर हो जाए और विद्यार्थियों को रोजगार मिल जाए और वहाँ का व्यवसाय पुनः पटरी पर आ जाए। तो इनकी यही डिमांड है चीनी मिल को जो है फिर से चालू कराया जाए, जिससे कि रोज़गार मिलेगा, जो स्टूडेंट्स बेरोज़गार हैं भटक रहे हैं उन्हें रोज़गार मिलेगा, किसानों की जो समस्याएं हैं जिसे उनको काम नहीं मिल पा रहा, जिनके काम थे वो सब उनके छूटते चले जा रहे हैं, काम धंधे किसानों के जो हैं बंद हो गए हैं, जो चीनी मिल में काम कर रहे थे उनके काम जो हैं वो बंद हो गए थे, फिर से पुनः चालू हो पाए। अगर ये डिमांड्स इनकी पूरी नहीं हुई ये भी जान लेते हैं, फिर ये क्या करेंगे आगे? अगर ये डिमांड्स आपकी अगर संज्ञान नहीं लेती है गवर्नमेंट, इस पर फिर आप लोग क्या करेंगे? अब इसके लिए तो इसके पहले भी कई बार चनपटिया में आंदोलन हो चुका है, वहाँ की जनता बार बार आंदोलन कर रही है, पुनः नहीं चालू होने पर हो सकता है कि वहाँ की जनता पुनः सड़क पे आ जाए। इनका यही कहना है कि वहाँ की जनता चनपटिया जो मिल है अगर वो दोबारा चालू नहीं होती है तो बिहार की जनता जो है सड़क पर आएगी और विशाल रूप में धरना प्रदर्शन करेगी। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए, खोज खबर को सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट्स एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। Thank you.